यार मेरे यार को हम यदि मान लीजिए कोई ढंग से बोल नहीं पाते, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आर फॉर रिड्यूसिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और मैं लेकर आया हूं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास 20 क्वेश्चन जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स में इस बार आ सकते हैं, पिछले भी कई बार आए हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाकी ये जो मैं आपसे 20 क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये बिल्कुल तय है एग्जाम में आएंगे। इनको भी यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन आपको नंबर आ सकते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, बाद में डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन इकोनॉमी सी इज इक्वल टू 200+0.5 वाई इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 400 एंड इनकम इज एट 1500, सो इट इज एट इक्विलिब्रियम और नॉट। आपको दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा है इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे जिसमें एक इक्वेशन दी हो रखी होगी जिसको हम कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी 400, और ये पूछा हुआ है कि यदि 1500 यदि जो है 1500 करोड़ बोल दो, डॉलर बोल दो, कुछ भी बोलो, यदि ये है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। अब आपको इसमें करना क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू ऐसे पुट करना है आपको। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर है या नहीं है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो। ठीक है, अब जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो, इट मीन्स ये हुआ कि जो है जब इनकम और जो एग्रीगेट डिमांड जो है या वो दोनों बराबर बराबर हो, तो ऐसी सिचुएशन जब हो तब की बात है। अब अपन बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन का तो आपको यह दे रखा है, अब कंजम्पशन ये आपको यहाँ दे रखा है, तो ऐसा सा आपने यहाँ लिख देंगे 200+0.5y, और इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ से आप ले लेंगे 400, ये आपने लिख दिया। अब ये हम एग्रीगेट डिमांड लिखें या इनकम लिखें, बात एक ही है। बात एक ही क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम लेवल पर है, और इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या होता है, इनकम और एग्रीगेट डिमांड जो है बराबर होती है। तो मैं यहाँ वाई लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अब सॉल्व करते हैं, देखो ये जो y है ये इधर आ जाएगा, तो y-0.5y, तो ये कितना हो गया, इधर 200 और 400 ये, तो कितना हो गया 600, तो 0.5y इज इक्वल टू 600 है, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 0.5, पॉइंट से हटाया जीरो लग गया, 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1200, यानी कि y इज इक्वल टू कितना है 1200 है, यानी इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम पर हो तब इनकम कितनी होना चाहिए 1200 होना चाहिए, जबकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1500, तो क्या 1500 पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है, नहीं है। तो आपको इसका जवाब लिखना है कि इकोनॉमी इज नॉट एट इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज 1500, जब 1500 इनकम है तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर नहीं है, क्योंकि तब इनकम कितनी होना चाहिए 1200 होना चाहिए। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर में यूजुअली आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, है ना, नंबर का डिफरेंस भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल तय है। इस टाइप का 4-5 क्वेश्चन जो है बुक में से देखें और कर लें, बिल्कुल आपके जो है एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़ें आप। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन दूसरी तरह, जरूरी नहीं कि सीधे सिंपल सा पूछ लेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। सिंपली आपको हो सकता है कि कोई 2-1 ऑब्जेक्टिव दे दिया है, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव दे दिए और उनको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, या सीधा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव है, या किसी और तरीके से थोड़ा केस स्टडी टाइप से दे सकते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, आंसर वही होता है। तो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव, अब गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव को याद रखने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको खाली उनके पॉइंट ही याद रखना है तब के लिए यह फॉर्मूला काम आएगा आपको। तो फॉर्मूला ये है मेरा, यार मेरे यार को हम यदि मान लीजिए कोई ढंग से बोल नहीं पाता है, थोड़ा सा टूट लाता, तो आर मेरे आर, ये अपना फॉर्मूला है, आर मेरे आर, ठीक, यार मेरे यार का आर मेरे आर,
ये फॉर्मूला बन गया गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव का। अब इसको याद रखने के लिए सिर्फ, इसका कोई मतलब नहीं है वैसे, आर फॉर री अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक, एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर एम फॉर क्या होगा, एम फॉर होगा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट करना जो है वो भी गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर आर स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, फिर ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर आर फॉर रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपको याद रखने के लिए मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बताया, आर फॉर रिलोकेशन ऑफ सोर्सेस, एम फॉर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर फॉर रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आर फॉर रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, ठीक। तो ये गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके पक्के हुए, इसको भी अच्छे से याद कर लेना आप, और उसको थोड़ा पढ़ भी लेना, क्योंकि हो सकता है इसमें से क्वेश्चन यूजुअली इस टाइप का आता है कि आपको दो ऑब्जेक्टिव दे दिए, तीन ऑब्जेक्टिव दे दिए, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके हो गए, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है रिवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट और जो है आपका कैपिटल डिफिसिट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है या तीनों का मीनिंग क्या है। जब हम रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवेन्यू नेचर के जो हम इनकम और रिसिप्ट की बात करते हैं, सॉरी रिसिप्ट और पेमेंट की बात करते हैं, उसमें तो दोनों के बीच यदि डिफरेंस आ रहा है, यदि रिवेन्यू हमारे पास कम है, रिवेन्यू रिसिप्ट कम है, और रिवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर है, या जो हम कहें कि जो रूटीन नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स है वो ज़्यादा है, तो रिवेन्यू डिफिसिट है। फिर आपका कैपिटल डिफिसिट, फिर जो है आपका फिस्कल डिफिसिट, ठीक। तो इसमें से फिस्कल डिफिसिट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार आप पढ़ें, थ्योरी की तरह आप पढ़ लें, बड़ा आसानी से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्स एंड सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग क्या होता है। अब ये जरूरी नहीं कि एक्स एंड सेविंग ही हो, एक्स एंड इनकम हो सकता है, एक्स एंड जो है इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स एंड और एक्स पोस्ट, एक्स एंड इट मीन्स जो हमने प्लान किया है, एक्स पोस्ट यानी कि जो प्लान होने के बाद में, यानी कि जो एक्चुअल है, जो प्लान है वो जो है वो क्या है, एक्स एंड है, ठीक। एक्स एंड मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर एक्स एंड यानी कि प्लान जो हो गया रियल में जो हो रहा है वो एक्स पोस्ट, ठीक। तो प्लान इन्वेस्टमेंट, प्लान सेविंग, प्लान इनकम एक्स एंड कहलाते हैं, ठीक। और एक्स पोस्ट यानी कि जो प्लान होने के बाद में जो हुए हैं। नेक्स्ट जो है आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। जरूरी नहीं कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी ही आए, आपको ऐसा भी हो सकता है कि इसमें रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, ऐसा भी हो सकता है, या कोई और एग्रीगेट भी दे सकते हैं। तो रियल इट मींस जो जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, किस पर, जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं बेस ईयर प्राइस पर, ठीक। और नॉमिनल इट मींस जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं करंट ईयर प्राइस पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़ा डिफरेंट तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है, अब आप पढ़िए इसको, लेकिन अल्टीमेटली मिला जुला के आंसर वही आया, मतलब बात वही लिखना है, लिखना आपको वही है कि ये रियल है इट मीन्स ये कि बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट किया हुआ है, नॉमिनल इट मीन्स ये कि जो है करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट किया हुआ है। रियल जो है वो बिल्कुल कहीं कि आपको ज़्यादा सही वैल्यू बताता है, सही में आपका प्रोग्रेस हुई कि नहीं वो बताता है, और नॉमिनल जो है वो आपको मार्केट प्राइस के बेसिस पर बताता है, जो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस चल रही है। तो इसमें इन्फ्लेशन की वजह से ये प्रभावित होता है, अफेक्टेड है जो नॉमिनल है वो, ठीक, और रियल जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से अफेक्टेड नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है आपका फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स कौन कौन से। हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से भी पूछ ले, लेकिन फिस्कल पॉलिसी के जो मेजर्स है, एक तो टैक्स रेट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और एक और मेजर है, आप पढ़ लेना क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक में आपको हो सकता है कि दो एक मेजर दे दिए और फिर जो है आपको उसको उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया,
जरूरी नहीं सिंपली आपको ऐसा पूछा है कि व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, आपको उसमें कोई जो है उसके पॉइंट दिए हो सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, फिस्कल पॉलिसी के मेजर कौन कौन से हैं। हाँ, इसको भी बड़ा कोई केस स्टडी की तरह पूछा जा सकता है, लेकिन वो बड़ा कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो लिखना वही है ना, टैक्स बढ़ाना चाहिए या टैक्स कम करना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, जब इकोनॉमी में ऑलरेडी लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, है ना, और उस वजह से इन्फ्लेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है उस समय इन्फ्लेशन को हमें डाउन करना है तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज कर देना चाहिए। जिस समय इकोनॉमी में ऑलरेडी जैसे स्लो डाउन, जैसे कभी की सिचुएशन देखे, ये कोरोना की वजह से सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ख़राब है, लोगों में खर्च करने की कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है, जिस वजह से क्या है कि सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, लोग उन खर्च नहीं कर रहे हैं तो जो है मार्केट में पैसे जा नहीं रहा है, मार्केट में पैसे जा नहीं रहा तो और फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो सर्कुलेशन जो रुक गया है, तो सर्कुलेशन को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, भाई गवर्नमेंट को खूब खर्चा करना चाहिए और टैक्स रेट कम रखना चाहिए। कम रखने से क्या होगा कि लोगों के पास इनकम मतलब सेविंग ज़्यादा रहेगी, थोड़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, यदि ज़्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी वापस जो है किस में आ जाएगी, सर्कुलेशन में आ जाएगी। तो अभी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करना चाहिए कि लोगों के पास जो है पैसे बढ़े, जो है गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, खर्च करने से जो है लोगों के मतलब जो है बिजनेस जो मेन जो है उनके पास पैसे जाए और सर्कुलेशन जो है वापस से बढ़े। खैर, इसको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वही होगा। आगे बढ़ते हैं अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड से लेकर के। तो इसमें आप एक तो ये पढ़ लें बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या है, ठीक। दूसरा आप इसमें चीज पढ़ लें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन यदि आपने ये चीज़ अच्छे से पढ़ रखी कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ आती है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, ये चीज़ यदि आपने पढ़ रखी है तो ये बड़ा आसानी से आप इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे, ठीक। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो आपका मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अभी इसको क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के मेजर्स कौन कौन से हैं, ठीक, या मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स कौन कौन से हैं, या फिर इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के मेजर्स कौन कौन से हैं, या फिर हाउ आरबीआई या सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई, कंट्रोल मनी सप्लाई, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आपको इसमें सारी चीज़ें समझाना वही है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, फिर आपका CRR, SLR, यही सारी चीज़ें समझाना है, ये सारी चीज़ें समझाना है। ये क्वेश्चन मैंने जो है बहुत अच्छे से पहले समझा रखा है, आपने यदि नहीं पढ़ा है तो आप मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो मेरा वीडियो है जरूर जाकर देखें, ठीक, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगा, जरूर देखना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, ये तो बिल्कुल आना ही है, तय है क्वेश्चन है, लेकिन किस तरीके से आएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आए कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन होगा भाई। इसमें इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन तीनों चैप्टर में किसी की बात करें, आपको इस टाइप का एक डायग्राम बनाना है, ठीक, ये एग्रीगेट सप्लाई को दिखाता है, फिर ये है एग्रीगेट डिमांड को दर्शाता है, ठीक। मैं मान रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पॉइंट है, इससे ऊपर यदि पॉइंट बनता है तो ये हो गया इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि जितनी एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए उससे यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है तो इन्फ्लेशनरी गैप, और यदि इससे कम है तो क्या है, ये डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि इससे इन्फ्लेशन होता है उससे डिफ्लेशन होता है, जितनी डिमांड होना चाहिए मार्केट में उससे ज़्यादा डिमांड है तो इन्फ्लेशन होगा, जितनी डिमांड होना चाहिए उससे कम है तो डिफ्लेशन होगा, ठीक। दोनों ही सिचुएशन अच्छी है खराब है, दोनों ही खराब है, बैलेंस में रहना चाहिए चीज़ें, गाड़ी ज़्यादा जोर भाग तेज भाग रही है तो भी दिक्कत है, एक्सीडेंट हो जाएगा, और धीरे चल रही है तो भी दिक्कत है, बहुत लेट पहुँचेंगे, जरूरत से ज़्यादा धीरे चलाएंगे तो कोई पीछे से मार के चला जाएगा, ये वाली बात है। तो जो है इकोनॉमी भी बैलेंस वे में चलना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम पे चलना चाहिए, ठीक है, जितना लोग उन खर्च कर रहे हैं इतनी इनकम भी हो रही, खर्च कर रहे हैं इनकम हो रही, ऐसे चलते रहना चाहिए, मतलब पहिया घूमते रहना चाहिए इकोनॉमी का, इकोनॉमी का पहिया जो है वो रुकना नहीं चाहिए।
इन्फ्लेशन गैप और डिफ्लेशन गैप पहले जब भी बात आई तो आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना करके आपको जो समझाना है इन्फ्लेशन गैप क्या है, डिफ्लेशन गैप क्या है। इन्फ्लेशन गैप जब है तो आपके इसको कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसी है, दो पॉलिसी कौन कौन सी है, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, आपका जो है CRR, SLR, है ना, मार्जिन रिक्वायरमेंट, है ना, मॉरल सिचुएशन, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में। जब इन्फ्लेशन है तब क्या करेंगे, मनी सप्लाई को कम करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। जब डिफ्लेशन है मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बढ़ाएंगे कैसे भाई, बैंक रेट कम कर दो, यानी कि RBI जो है कॉमर्शियल बैंकों को सस्ता लोन दे, यदि कॉमर्शियल बैंक को सस्ता लोन मिलेगा पब्लिक को सस्ता लोन बांटेगी, पब्लिक सस्ता लोन मिलेगा लोग उन ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, खर्चा बढ़ेगा इकोनॉमी में, तो ये जो डिमांड है वो बढ़ेगी, ऊपर जाएगी। अब जब ऑलरेडी ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा ऊपर है तो उसमें नीचे लाना है, बैंक रेट बढ़ा दो, महंगा लोन मिलेगा तो लोग उन कम लोन लेंगे तो कम खर्च करेंगे, है ना, इस टाइप से। फिस्कल पॉलिसी में दो मेन चीज़ें होती है, एक तो टैक्स किस तरीके से इम्पोज करेंगे, और दूसरा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब तो इन्फ्लेशन गैप और डिफ्लेशन गैप पर क्वेश्चन किसी भी अलग ऐसा पूछा जा सकता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से, या इक्विलिब्रियम लेवल से जो है वो आपका एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज़्यादा है तब फिर क्या करना चाहिए, या इनकम है तो क्या करना चाहिए, वो मैं सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ, आप समझ जाना क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। 2, 5, 10 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर, तो आपको इन्फ्लेशन गैप डिफ्लेशन गैप के बारे में आप पढ़ लेना, इनको कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 और 4 से आना चाहिए वो है नेशनल इनकम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आना है। आप जो है आपने अपनी पढ़ाई के मार से मैक्सिमम टाइम जो है नेशनल इनकम करने में निकाला हुआ, बहुत लंबा टाइम, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं नेशनल इनकम से, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको सिंपल सा क्वेश्चन आपको एक दे रखा है, देखिए आपके क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो इसको आपको कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है इसका कि आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक, यदि आप करेंगे चेंज इन स्टॉक यदि आप करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे तो क्या आएगा, आउटपुट, मतलब टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब ये टोटल प्रोडक्शन में से यदि आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा देंगे या इंटरमीडिएट कॉस्ट घटा देंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या इसको आप यदि तीनों सेक्टर का है तो GDP एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। फिर इसमें से यदि आप क्या घटा देंगे, इसमें से यदि आप घटा देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो क्या बचेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए घटाना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाना पड़ता है। अभी ऐसा क्यों है, इसके लिए आप जो है आप मेरा सर्कुलर फ्लो वाला वीडियो देखें, जब जाकर समझ में आ जाएगा तो आप चीज़ें आपको खैर। तो आप ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, कितनी यूनिट बेची है, यूनिट बेची 1000 यूनिट बेची है, कहीं और लिख लेता हूँ मैं, 1000 यूनिट बेची है, 30 रुपये की एक है तो टोटल कितना हुआ, 30,000 रुपये हुआ, ठीक। तो सेल्स किया आपने 30,000 रुपये का, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, आ रहा होगा 30,000 रुपये प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग देखो, आप देखेंगे दे रखा है आपको 3,000 और 2,000, 3,000 में 2,000 के बचा कितना, 1,000, तो चेंज इन स्टॉक आया आपका 1,000, कितना हो गया टोटल आउटपुट, 31,000, ठीक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है 12,000, आपने इसमें से माइनस किया बचा कितना, 19,000, है ना, 19,000 में से आप टैक्स माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में आप देखिए इसमें दो टाइप के टैक्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है सेल टैक्स दे रखा है आपको, और एक आपको एक्साइज ड्यूटी दे रखा है, दोनों के दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसको माइनस कर देंगे। अब माइनस कितना करेंगे, एक है 2,500 रुपये
और दूसरा है 3,500 रुपये। 6,000 रुपये मैंने माइनस किया तो बचा कितना, 13,000 रुपये। तो 13,000 रुपये क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इस टाइप का कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर देखिए नेशनल इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको संभावना रहती है, एक तो वही रहती है जीडीपी वगैरह या ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है पता करना, और दूसरी एक संभावना रहती है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड और ये मेथड, इन दोनों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो आप ये सारी चीज़ें जो है बड़े आराम से कर ले। अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करना पड़ेंगे हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, या मेजर स्टेप्स टेकन इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, या एलपीजी पॉलिसी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कुछ भी बात हो ऑलमोस्ट आंसर लगभग एक ही बात है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, इन तीनों को समझाना ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। ठीक है, जिसमें लिबरलाइजेशन का मतलब ही जो है रिमूवल ऑफ मतलब लाइसेंसिंग, लाइसेंस वगैरह हटाना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आसान करना। फिर आपका प्राइवेटाइजेशन, एक मीन्स ये कि डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें एक बड़ी चीज़ है कि जो है गवर्नमेंट सेक्टर को कम करना और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, फॉरेन सेक्टर को भी अलाउ करना। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स ये कि फॉरेन की कंट्रियाँ भी हमारे देश में आ सकती है, और हमारे देश की जो फॉरेन कंपनीज जो है हमारे देश में आ सकती है, और हमारे देश की कंपनियाँ भी जो है बाहर जा सकती है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया। खैर, ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद में बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते ही आता है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें आपको कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हैं, इनके बीच में डिफरेंस, या फिर इनको डिस्क्राइब करना कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कॉमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, ठीक है, और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कौन कौन से हैं। ठीक है, जो मतलब जो इको फ्रेंडली हो, वो इको फ्रेंडली नहीं हो, तो ये इसको आप अच्छे से पढ़ ले सोर्सेस ऑफ एनर्जी को। ठीक, इम्पोर्टेंस के आधार पर ही मैं इनकी सीक्वेंस बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल पका पका ही मिलेगा आपको, और बिल्कुल तैयार मिलेगा आपको, और आता ही आना, एक आता ही है। आपको एक टेबल दी हुई होगी, कुछ भी एक टेबल दे दी होगी, जिसमें हो सकता है कि पिछले कुछ सालों का डेटा दिया हो सकता है, यहाँ पे चाहे इंडिया दे रखा हो या चाइना दे रखा हो, पाकिस्तान भी दे रखा हो सकता है, एक आध क्वेश्चन आप देखना है इसमें। तो इस टाइप का कोई एक टेबल दी होगी, उस टेबल ऑलरेडी उन्होंने खुद ने टेबल देख रखी हुई है, और जो है आपको ईयर भी दे रखा है, इस ईयर में ये कंडीशन थी, इस ईयर में ये कंडीशन है। अब आपको उस पर जो है इलोबरेट करना है, उसको बताना है कि उसको एक्सपीरियंस को जो है शेयर, मतलब जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसी टेबल को आप क्या करो, उसी टेबल को हो सके तो आप कोई पाई चार्ट या ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें, और जो है थोड़ा सा उसके बारे में लिख दें, ठीक, कि कंडीशन ऐसी थी और अब ऐसी है, वही का वही डेटा आप लेकर के लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे कि यहाँ पर कोई डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर ये 500 है और यहाँ पर जो है आपको 750 है, तो इसी बात को हमने ऐसा बोल दिया कि जो है इंक्रीज हुआ 50%, राइट है, ये लिखा हुआ नहीं लेकिन हमने उसको एनालिसिस करके लिख दिया, और तो परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करके और उसको ग्राफ वगैरह के थ्रू, जैसे हम स्टेटिस्टिक्स में जो चीज़ें पढ़ते थे ना एनालिसिस करने के लिए, वही की वही सारी चीज़ें इस टेबल पर हमें अप्लाई करना है और समझाना है उसको, कुछ भी नहीं, पका पका ही क्वेश्चन मिलेगा आपको ये, और बिल्कुल खाली सिर्फ लिखना ही है, जो भी लिखो सब सही होगा लगभग, मतलब थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ये है ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस। तो ये आप बड़े अच्छे से पढ़ लेना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस कौन कौन से हैं। ठीक, हेल्थ, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन और जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक, इसके अलावा इसी से ही एक क्वेश्चन बन सकता है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या है।
फिजिकल कल मतलब फिजिकल कैपिटल, जैसे आपके पास कोई भी संपत्ति है वो फिजिकल कैपिटल है ना, और ह्यूमन कैपिटल इट मीन जैसे कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मुझे नॉलेज है तभी तो पढ़ा पा रहा हूँ ना, मेरे पास स्किल है, तो ये जो मेरी स्किल है ये मेरी कैपिटल है। ठीक, अब फिजिकल कैपिटल क्या है, समय के साथ जो है वो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कार है, तो वो कार जो है फिजिकल कैपिटल है, लेकिन समय के साथ उसकी वैल्यू कम होगी और जो है डिप्रेशन लगेगा। लेकिन जो मेरी स्किल है, जो मुझे जैसे कि मुझे पढ़ाना आता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत आता है, तो वो थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाना आता है तो वो समय के साथ जो है अप्रिशिएट होगा, समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा जो है फिजिकल कैपिटल ट्रांसफरेबल है, मैं हम किसी को जो है फिजिकल कैपिटल दे सकते हैं, किसी को मैंने कार बेच दी मान लो, ट्रांसफर हो गई, लेकिन ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफरेबल नहीं है। जो मेरा जो नॉलेज है, मेरी जो स्किल है, या आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, वो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। किसी को ट्रेन किया जा सकता है, किसी को गाइड किया जा सकता है, लेकिन वो एकदम से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है कि बस ये लो पैसा और हो गया काम, है ना। ये तो मान लीजिए गाड़ी है या कुछ भी है, तो पैसे दिए काम खत्म। तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या है, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के जो सोर्सेस है वो कौन कौन से, एक तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस होते हैं और दूसरे नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी कि मनी लेंडर जो है, जमींदार है, महलवार है, ये जो है लोग होते हैं, है ना, लोकल जो लेंडर वगैरह होते हैं, ये हो गए। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में जैसे बैंक हो गई आपकी, ग्रामीण बैंक हो गई, है ना, नाबार्ड से रिलेटेड चीज़ें हो गई इसमें, तो जो ग्रामीण बैंक वगैरह है, सहकारी साख संस्था है, ये सब चीज़ें है इसमें आती है। तो ये रूरल क्रेडिट है वो आप अच्छे से पढ़ो, रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है रीजन बिहाइंड पॉवर्टी। पॉवर्टी का रीजन क्या है, गरीबी के रीजन क्या है। भले ही क्वेश्चन आए ना, लेकिन ये हमें पढ़ना जरूर चाहिए। सबसे बड़ा रीजन क्या क्या है पॉवर्टी के, सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है, बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर आप बात करेंगे पॉवर्टी के और भी बहुत सारे रीजन है ना, अनएम्प्लॉयमेंट उसका एक रीजन है, उसके पॉलिटिकल सोशल बहुत सारे रीजन है। ठीक, तो वो आप पढ़ें। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कौन कौन से, NRLM हुआ, या फिर मनरेगा हुआ, या फिर आप गवर्नमेंट कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो चलाती है उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान जो है, जब देश आज़ाद हो रहा था, तब हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो, उसकी कंडीशन क्या थी। इसमें लैंड सेटलमेंट जो है वाले, लैंड रिफॉर्म वाली बात इसमें ज़रूर आएगी, है ना। इसके अलावा जो इंडिगो वाली बात है वो आएगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन क्या थी, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको दे रहा हूँ, वो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट या फॉरवर्ड कैंपेन बाय चाइना इन 1958। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग यदि कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अच्छे से आप इनको लिखें। देखिए, मैं आपको बहुत ही खास और बिल्कुल मुद्दे की बात बताने जा रहा हूँ कि आप जो है, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, खूब पढ़ते हैं। अब इतना पढ़ने से काम नहीं चलता भाई, पढ़ने के साथ साथ हमें उसको लिखना भी पड़ता है। क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देंगे, वो एग्ज़ाम आप देंगे मतलब जो है आप लिखेंगे, तो लिखने की आप प्रैक्टिस डालें। आप जितने भी क्वेश्चन, मैंने 20 क्वेश्चन आपको बताए, इन 20 क्वेश्चन के आप आंसर बराबर आप कॉपी में लिख लें, मेरा दावा है आपको बेहतरीन नंबर आएंगे, बहुत बेहतरीन। अच्छा, इसके अलावा यदि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आपको इसकी PDF जो है मेरे ऐप में मिल जाएगी। ऐप की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी। हाँ, अब मैं ऐप के बारे में आपको बता देता हूँ। अब ऐप में देखिए, ऐप में जो है एक तो फ्री मटेरियल भी इसके अंदर है। फ्री मटेरियल के लिए आपको क्या करना होगा, आप जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको सारे फ्री वाली चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन हाँ, यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू इस पर रहूँ, तो फिर आप जो है स्टोर वाला सेक्शन जो है बिल्कुल सेंटर में होगा, स्टोर वाला सेक्शन, उस पर आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिसमें एक 100 रुपीज़ वाला कोर्स भी दिया हुआ है। शुरुआत में PDF और सैम्पल पेपर वगैरह लिखा हुआ है,
वो यदि आप कोर्स परचेस कर लेते हैं तो उसमें सारे टाइप के पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ठीक। और यदि कुछ कमी भी होगी तो आप मुझे मैसेज कर देंगे तो भी आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएंगे। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बड़ा काम का हो और आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क गेन करें, ठीक। मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ में फिर मिलते रहेंगे, तब तक के अलविदा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।